खाटू श्याम जी को भगवान श्री कृष्ण का अवतार माना जाता है। देश के करोड़ों लोग खाटू श्याम जी की पूजा करते हैं। खाटू श्याम जी मंदिर में हर वक्त भक्तों का तांता लगा रहता है और विशेष रूप से होली से कुछ दिन पहले सीकर जिले में खाटू श्याम जी का विशाल मेला आयोजित होता है, जिसमें राजस्थान सहित अन्य प्रदेशों के श्रद्धालु भी बाबा के दर्शन करने आते हैं। खाटू श्याम जी की कहानी महाभारत काल से शुरू होती है, जिस वक्त उनका नाम बरबरीक था। बरबरीक भीम का पौत्र और घटोत्कच का पुत्र था। बरबरीक बचपन से ही बहुत वीर योद्धा था। बरबरीक ने अपनी माँ से युद्ध कला सीखी थी। बरबरीक देवी शक्ति का बहुत बड़ा भक्त था। एक बार बरबरीक ने देवी शक्ति की कठोर तपस्या की। बरबरीक की कठिन तपस्या को देखकर देवी शक्ति वहाँ प्रकट हुई। आंखें खोलो पुत्र। प्रणाम माते। तुम्हारा कल्याण हो पुत्र, मैं तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न हूँ। बोलो क्या वरदान चाहिए? माते, आपने मुझे दर्शन देकर कृतार्थ कर दिया। अब तो बस एक ही अभिलाषा है कि आपका आशीर्वाद सदैव मुझ पर बना रहे और मैं अपना संपूर्ण जीवन दीन दुखियों की सहायता में व्यतीत कर सकूं। तथास्तु, तुम सदा दुर्बलों का सहारा बनोगे। मैं तुम्हें ऐसी शक्ति प्रदान करूंगी जो तीनों लोकों में किसी के पास भी नहीं है। पर ज्ञात रहे पुत्र, तुम्हें इन शक्तियों का दुरुपयोग नहीं करना।